नमस्कार दोस्तों, आइए मैं स्वागत करते हैं अपनी पहली वीडियोस में, जिसका नाम है मैनेजमेंट से रिलेटेड। कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं, जो एक दी थी मैरी मार्कर फॉलेट ने और एक दी थी जेम्स एल क्या कहते लुडने ने। तो इसमें होता क्या है कि ये एक तो है हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो पहले चलती थी। ट्रेडिशनल में हम लोग कहते थे कि हाँ, इट इज़ ए ट्रेडिशनल डेफिनेशन एंड इट इज़ ए मॉडर्न डेफिनेशन जो अभी चल रही है, कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो आजकल हमारा ज़माना चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो उसमें हम लोगों को ये चेंजेस दिखाई देने चाहिए। तो पहली डेफिनेशन कहती है, इट इज़ एन आर्ट्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने वाली कला को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। हम तो काम कर सकते हैं, लेकिन ये कला बहुत कम लोगों में होती है कि वो दूसरों से काम करवा पाएँ। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे चार क्वेश्चन याद करने हैं, तो मैं तो कर सकता हूँ उस काम को, लेकिन क्या मैं उसी काम को दूसरों से करवा सकता हूँ? वो होती है कला जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट, जिसको बताया था मैरी पागा फ्लोर के अनुसार। ये था डेफिनेशन थी मैनेजमेंट की, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पे। उन्होंने कहा था, इट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इनका कहना यह था कि एक ऐसी आर्ट है कि हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है, हम उनसे क्या क्या काम करवाना चाहते हैं, और ये भी देख लें कि वो उस काम को वैसे ही करें जैसे हम उनसे करवाना चाहते हैं, और बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में करें। उसका मतलब क्या था कि कॉस्ट से रिलेटेड हो गया, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि भैया कोई काम मेरा 10 रुपये में हो सकता है और जल्दी हो सकता है, तो मैं उस काम को वैसे करवाऊँ। अगर किसी काम को मैं कहता हूँ भैया मैं ये काम तो 4 मिनट में कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस काम को हो कितने में रहा है, वो काम 7 मिनट में हो रहा है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो इसका तो जेम्स एल लुंडे ने ये कहा था कि हम लोग ये एक ऐसी आर्ट है कि हम लोग जानें कि एक आदमी कितना काम कर सकता है और उसको क्या काम देने चाहिए, और उस काम को हम लोग उसको बांट दें, और ये भी देख लें कि वो उस काम को बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर ले। ठीक है, तो ये थी दो डेफिनेशन मैनेजमेंट की। इसका क्या मैं कुछ आपको इनके पॉइंट्स बताऊंगा, एलिमेंट्स बताऊंगा मॉडर्न डेफिनेशंस की, कि मॉडर्न डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स आते हैं। अगर मॉडर्न डेफिनेशन को डिवाइड करूंगा तो पहला इसमें आता है प्रोसेस। तो इसमें मैं लेको पहला ले लेता हूं प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस जो होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं, कि ये प्रोसेस चलता रहता है, कि हम लोग देखते रहते हैं कि भाई हाँ यार ये वाला काम मुझे करवाना है उनसे, मैंने वो वाला काम उनसे करवा लिया, ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। दूसरी इसमें चीज़ आती है इफेक्टिव। इसमें क्या चीज़ आती है इफेक्टिव, कि मैं किसी भी काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा लूँ। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया गया है कि भैया ये मुझे प्रोजेक्ट 4 दिन में ख़त्म करना है, तो वो प्रोजेक्ट मैं अपना 4 दिन में ही ख़त्म कर दूँ, ये होती है इफेक्टिव। इसमें एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। अगर मैं किसी काम को इफेक्टिव तो हूँ, मैं उस काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एफिशिएंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब उस काम को कर रहा हूँ तो उसमें गलतियाँ नज़र आ रही हैं, वो बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में नहीं हो रहा है। वो एक काम मेरा 100 रुपये में हो सकता है, लेकिन मैं उसी सेम काम को 150 रुपये में कर रहा हूँ, ये मेरा मैनेजमेंट की गलती है। ठीक है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, उसको चेंजेस करूँ। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा मेरा, तो मैं एक काम में एफिशिएंट भी हो जाऊँगा और एक काम में इफेक्टिव भी हो जाऊँगा, कि मैंने काम को सही टाइम पे ख़त्म भी कर दिया और बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में भी ख़त्म कर दिया उसको, और विद मिनिमम कॉस्ट। ये बहुत बड़ी बात है कि मिनिमम कॉस्ट में किसी काम को ख़त्म करने की कला को एफिशिएंसी कहते हैं, और वही एक मैनेजमेंट के अंदर आता है आजकल की मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में। एक और चीज़ आती है इसमें मैनेजमेंट में, उसको हम लोग कहते हैं गोल्स, कि सबके गोल्स अचीव हो जाएं। अगर मैं गोल्स की बात कर रहा हूं, तो सबके गोल अचीव हो जाएं, चाहे वो गोल्स हो सकते हैं पर्सनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, या फिर एक इंडिविजुअल के गोल्स हो सकते हैं, तो वो सारे गोल्स अचीव हो जाएं। और हमें इस तरीके से डील करना चाहिए किसी भी पर्सन को, कि हम लोग उसको ये बताएं कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाने में मदद करेगा ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके पर्सनल गोल भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है, अगर नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं लिख कर कि आपको क्या कमी लगी इसमें, और आप क्या चाहते हैं कि मैं किस किस तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू।